और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक बिर्यानी। आप ये देखिएगा कि शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और ये शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण की और उसके बाद अब कागजी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लगातार और इस बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, उनकी जगह मोहन यादव को बनाया गया। और तभी से ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेदारी यानी कि सेंटर की राजनीति में लाए जा सकते हैं। और उन्हीं पर ये विराम कि शिवराज सिंह चौहान अब कैबिनेट मंत्री और अब